कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच विशेष जांच टीम SIT ने श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं तलब कीता है। दस्या जा रहा है कि सुखबीर बादल नूं 30 अगस्त नूं पुछगिछ लई बुलाया गया है। तुहानूं इह वी दस दईए कि साल 2015 च होए कोटकपुरा गोलीकांड दी जांच कर रही विशेष टीम इह पता लाउण दी कोशिश कर रही है कि घटना समय शांतिपूर्ण तरीके नाल धरना दे रहे सिंघां ते किसने पुलिस फायरिंग करन दे हुकम जारी कीते सन। इस तों पहलां विशेष जांच टीम वल्लों उस समय दे DGP समीर सैनी तो इलावा फायरिंग दे समय घटना वाली थां ते तैनात रहे पुलिस मुलाजमां तो ही पुछगिछ कीती जा चुकी है। सुखबीर सिंह बादल वालों अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं भी संबोधन किया गया है। मैं इस केस दसना चाहना जिहड़ा फायरिंग दे ऑर्डर दिते वो SDM ने दिते है। SDM ने रिटन ऑर्डर है। SDM अज तक कह रहा है कि ऑर्डर मैं दिते है, मेरे तक कोई दबाव नहीं सी। सो जिन्हें ऑर्डर किए है वो अपने वर्ड्स है। अज तक किसी ना पहले कोई इंक्वायरी उन्हें अपना स्टैंड डिफरेंट किया ना हुण किया है। हुणे समन दिते है, कोई गल नहीं, जो आवणगे देखांगे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सानू आवणगे असीं आपां हो जांगे, सानू मैनू कोई डर नहीं है, सानू की फर्क पैंदा। तुसीं मैं उही कहना चाहुंदा है, मैं उही गल कहना चाहुंदा, कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल पंजाब की जनता ने धोखा किया, झूठ बोलिया कि बेअदबी अकाली दल ने कराई है। पूरा जोर ला लिया कांग्रेस ने, सारिया इन्वेस्टिगेशन टीम ला के कुछ नहीं साढ़े खिलाफ़ कर सके। उदे बाद आम आदमी पार्टी सरकार आई, उन्होंने भी पूरी इंक्वायरी की, तो फिर आप अखीर चीफ मिनिस्टर ने आ रिपोर्ट रिलीज़ की है। उन्हें आप कहा कि आ फाइनल रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कोई जिक्र बादल फैमिली, बादल सरकार या अकाली सरकार का नहीं सी। क्लीयरली इन्हों पंजाब की जनता तो माफ़ी मंगनी चाहिए कांग्रेस को, तो आम आदमी पार्टी को एड्डा वड्डा धोखा उन्हें पंजाब जनता झूठ बोल के लोगों की वोटा लाने वर्गे साढ़े ते झूठा केस किया। ये सारा ड्रामा इन्हों का जान डाइवर्ट करके 5 साल लगे रहे हैं, पॉलिटिक्स खेली है। हाई कोर्ट की जस्टिस साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो वध की तो उन्होंने खिलाफ हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।